बच्चों के पालन में सारा जीवन निछावर कर देती है, दायित्व का भार लेकर सब पीड़ा वो सहती है। मेरा ये मानना है कि जब तक एक स्त्री और एक पुरुष समानता से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका कोई वजूद नहीं है। छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने प्राण लगा देती है, क्योंकि एक स्त्री की खुशी दूसरों को खुशी देने में ही होती है पूरा जीवन रिश्तों को संभालते संभालते कटा देती है। रिश्तों को फूलों की तरह वो सदैव सजा कर रखती है। बोलना उतना आसान है जितना मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना, और करना उतना मुश्किल है जितना पानी पे पानी से पानी लिखना। स्त्री होना सहज नहीं, इससे सारा जग अवगत है। पूरा जीवन दूसरों के नाम कर स्त्री होने का कर्तव्य वो निभाती है क्या कहेंगे, आज जो बड़ी बड़ी बातें की गई महिलाओं के लिए, उनको हक मिलना चाहिए, ये बातें सिर्फ सेमिनारों तक सीमित क्यों रह जाती है? धरातल पर ऐसा दिख नहीं रहा है, आज भी महिलाओं को दबाया जा रहा है, क्या इससे इनकार कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग महिला दिवस मनाते हैं आज, जैसे कि हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, तो मेरा ये कहना है कि महिला दिवस बस एक ही दिन पार्टिकुलरली नहीं मनाना चाहिए, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, हर रोज़ उनके साथ ऐसा, उनको ऐसा फील कराना चाहिए कि उनके लिए हर रोज़ महिला दिवस है। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। जी आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो मैं जैसे कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ही है जी, मतलब वो परसों था तो हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं अभी मैंने एक पोएम प्रिपेयर किया था कि महिलाओं के लिए सभी बोलते हैं कि महिलाएं आज इस क्षेत्र में उस क्षेत्र में, और ये है, और आज आप लोगों ने जीता जागता मिसाल भी देखा कि महिलाएं हर क्षेत्र में, वो कहीं कभी मतलब पीछे नहीं है किसी क्षेत्र। पहले कि आप पोएम सुनाएं, एक बात यहाँ चल रही थी, लगभग हर किसी ने कहा कि महिलाएं कपड़ा क्यों धोए, महिलाएं ही खाना क्यों बनाए। आपको हम यहाँ एक पुरुष होने के नाते कहना चाहेंगे कि एक पुरुष घर से 6 बजे निकलता है और वो 8 बजे तक ड्यूटी करता है, और अधिकतर जो औरतें होती है घर में रहती है, तो क्या पॉसिबल है कि एक मर्द जाकर के घर में खाना बना सके? क्या अगर आप ऐसा करें तो क्या अपने शोहर से भी आप एक्सपेक्ट रखती हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि स्त्री और पुरुष इसमें कोई समानता नहीं होनी चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो आप अपनी जो वाइफ है उनके साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाइए कि वो आपको समझे, आपकी हेल्प करे, और अगर आपकी वाइफ अगर किसी जॉब में है या वो अपने लिए कुछ कर रही है तो वो आपका भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें। तो मेरा ये मानना है कि जब तक एक स्त्री और एक पुरुष समानता से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका कोई वजूद नहीं है। अक्सर महिलाओं की फ्रीडम को लेकर बात किया जाता है, सेमिनारों तक ये बात सीमित रह जाती है। अगर आपकी बेटी हो तो क्या आप उसे उतना छूट दे पाएगी जितना अपने बेटे को देंगे? क्योंकि मैडम कहा जाता है कि बोलना उतना आसान है जितना पानी पे पानी से पानी लिखना, और करना उतना मुश्किल है, बोलना उतना आसान है जितना मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना, और करना उतना मुश्किल है जितना पानी पे पानी से पानी लिखना। जी जी देखिए, छूट की बात अगर की जाए तो मेरा ये मानना है कि मेरे माता पिता से जो मुझे संस्कार मिले हैं और इंडिपेंडेंसी भी मिली है, तो मैं अपने बच्चों को भी वही दूंगी जो तालीम मुझे मिली है, इंडिपेंडेंसी के साथ जो तालीम मिली है, संस्कार मिली है, तो जिसका मैंने कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया, तो मैं अपने बच्चों को भी यही संस्कार दूंगी। चाहेंगे कि थोड़ा सा आप गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल जी, स्त्री एक रिश्ते अनेक, ये मेरा पोएम का शीर्षक है। तो महिलाएं जो है जो जॉब करती है, प्रोफेशनल फील्ड में रहती है, तो उनका पर्सनल भी उनका फैमिली होता है जिनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है, तभी उनको समर्थन मिलता है। तो एक बेटी से एक माँ बनने का सफ़र तो मैंने अपने पोएम में उसको दर्शाया है। नन्ही सी कली की आंखें खुलते ही संसार सारा खिल उठता है, पापा की दुलारी माँ की प्यारी घर में जब आती है बिटिया रानी, थोड़ी बड़ी होते ही घर के कोने कोने में रुंझुन पायल पहने कदमों से सारा घर गूंज उठता है, दादा दादी की दुलारी अपने भाइयों की बहना प्यारी घर की राज दुलारी होती है बिटिया रानी, जब बड़ी हो जाती है बिटिया रानी सबके मुँह में बस एक कहानी, रानी बेटी बनेगी दुल्हन कर जाएगी अब दुखी सबके मन, नए घर में जाती है बिटिया रानी बन जाती है कई रिश्तों के डोर में, एक उत्तरदायी पत्नी बहू और भाभी जो फूंक फूंक कर रखती है कदम अब इस घर में, खिलखिलाकर हंसने वाली अब मंद मंद मुस्काती है,
छोटे बड़ों के साथ प्यार से अब वो पेश आती है। घर के कामों में अपने सास की हाथ बटाती है, देवर नंद के मसखड़ियों पर अब वो शर्मा जाती है। अपने आराध्य वर की पूजनीय बन जाती है, वर के घर को खुशियों का महल वो बना देती है। समय आ गया फिर से एक नए रिश्ते में बंधने का, बेटी से लेकर माँ बनने का सफ़र तय करती है बिटिया रानी। नन्ही सी जान को गोद लिए ममता की मूरत कहलाती है, मुख में अब उत्तरदायित्व की छवि नजर आती है। बच्चों के पालन में सारा जीवन निछावर कर देती है, दायित्व का भार लेकर सब पीड़ा वो सहती है। छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने प्राण लगा देती है, क्योंकि एक स्त्री की खुशी दूसरों को खुशी देने में ही होती है, पूरा जीवन रिश्तों को संभालते संभालते कटा देती है, रिश्तों को फूलों की तरह वो सदैव सजा कर रखती है। स्त्री होना सहज नहीं, इससे सारा जग अवगत है, पूरा जीवन दूसरों के नाम कर स्त्री होने का कर्तव्य वो निभाती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।